वेलकम बैक टू माई चैनल व्हाट इज सेड। एंड इफ यू नो ऑन माई चैनल आई एम डिम्पल एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। सो आज की जो रीडिंग है इट इज अ पिक अ पाइल रीडिंग ऑन हाउ योर लव लाइफ विल बी इन 2021। ओके, सो ऐसे होगा कि आपको इन तीनों पाइल में से पाइल वन, पाइल टू एंड पाइल थ्री, इन तीनों पाइल में से आप कोई भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। जिस भी पाइल से आप सबसे ज्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाए आप वो वाली पाइल को चूज कीजिए। ओके, मैंने इन तीनों पाइल्स की एक पिक्चर आगे वीडियो में डाल दी है, तो आप अच्छे से पाइल्स में मेडिटेट करके जिस पाइल से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करें, जिस स्टोन से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करें, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। राइट, एंड ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करे। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने अपना जीमेल एंड इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हेलो पाइल वन, सो देखते हैं कि पाइल वन के लिए हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, देन मैसेज हम लास्ट में चेक करेंगे, देन हमारे पास द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से है द हैंग्ड मैन। सो सबसे पहले हमारे पास राइडर वे टैरो डेक से है द मून। तो द मून हमें दिखाता है कि इल्यूजन, मतलब कि चीजें जैसी हैं दिख रही हैं वैसी हैं नहीं एक्चुअल में। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो जरूर आपके पार्टनर आपको बैकस्टैप कर रहे हैं या आप पे चीट कर रहे हैं या वो कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, आपको कोई बात ऐसी है जो बता नहीं रहे हैं जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, एंड अगर आप सिंगल हैं तो अगर आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो जैसे वो पर्सन आपके सामने है वैसे वो एक्चुअल में नहीं है, तो वो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसी दिख रहा है, जैसी दिख रही है वैसी एक्चुअल में नहीं है, इसलिए आपको री इवेल्युएट करना चाहिए। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे सिंगल हैं, जिस भी पार्टनर के साथ आप हैं या आना चाहते हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहा है। और जैसा एक्चुअल में है, वो जैसा उसका एक्चुअल में नेचर है, बिहेवियर है, रहने का तरीका है, वो आपको वो नहीं दिखा रहे हैं, कुछ फेक है जो वो आपके सामने है, वो प्योरली रियल नहीं है, उसमें फेकनेस है। ओके, देन हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स और साथ में सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप सिंगल हो तो आप इस किसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो। बहुत टाइम से चाह रहे हो कि अभी नहीं, आप थोड़ा टाइम बाद इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, मतलब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, आगे बढ़े। तो ऑब्वियसली बिकॉज कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ सही नहीं है, चीटिंग हो रही है, या फिर वो एक्चुअली जैसे हैं वो वैसे आपके सामने नहीं है। तो ये जो इल्यूजन है ये हमें कह रही है कि अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं, या अपने रिसेंट रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिटमेंट दूसरी साइड से, तो इस टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सामने से तो कमिटमेंट आ ही नहीं रहा है, सामने से तो कमिटमेंट आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली वो जो आपको दिखा रहे हैं कि वो जो आपके लिए फील करते हैं वैसा वो नहीं फील करते एक्चुअली, तो सामने से कमिटमेंट नहीं आ रहा है। एंड आप भी जाएंगे तो अगर वो हाँ भी कहते हैं तो भी आप एक बार ही देखिए कि वो क्या चीजें आपसे छुपा रहे हैं। राइट, देन तो यह हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइए। देन सेम ही द हमारे पास सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से जो ये हैंगमैन है, हैंगमैन भी हाईली एक ही मैसेज देता है, एक ही चीज रिकमेंड करता है कि काम रहिए, पीसफुल रहिए, और
कोई भी चीज की जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। और ये जो आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए ना अकेले बैठ के बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांति से पहले सोचिए कि क्या सच में ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, या जिस पर्सन के साथ आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस पर्सन के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सच में वो वर्दी हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए, या उनके साथ अपना रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लें, उनके साथ एंगेज हो या मैरिड हो, जो भी आप सोच रहे हैं, तो क्या सही में आपको वो करना चाहिए। आप एक बार रीवैल्यूएट कीजिए। एंड हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको किसी ने अवेयर भी किया हो, आपको किसी ने बोला होगा कि ऐसे ऐसे है, बट आपने माना नहीं। क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंडली बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि आप ही सही सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आप ही के अकॉर्डिंग जो आप सोच रहे हैं, जैसे वो पर्सन आपके सामने है वैसे ही एक्चुअल में, बट नो नहीं है। अगर आपको कोई और आके बताता है तो आप बिल्कुल उनकी बात सुनिए और देखिए कि एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है, राइट? देन हमारे पास एंजल एंड सिस्टर्स ओरेकल डेक से मैसेज है, सेम मैसेज, ओके, ड्रुइड, होल्ड द स्पेस। होल्ड द स्पेस ये मैसेज देता है कि डू नॉट मेक सडन डिसीजंस, एकदम से जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिए, सोचिए डिसीजन लेने से पहले। द हैंगमैन भी यही कहता है, ड्रुइड भी यही कहता है, रुकिए, सोचिए, डू नॉट हरी, डू नॉट टेक सडन डिसीजंस, बिकॉज कुछ ऐसे डेंजर्स हैं जिनको आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट या देयर इज अ बिग बिग प्रॉब्लम बिहाइंड योर बैक। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल वन। थैंक यू पाइल वन। हेलो पाइल टू। सो देखते हैं हमारे पास पाइल टू के लिए कौन से कार्ड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास राइडर वे टैरो डेक से है पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। देन मैसेज हम लास्ट में चेक करेंगे। देन हमारे पास सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से द हायरोफेंट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल टू, इस पाइल में बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो पार्टनर हैं, मतलब जो इसमें मेल पार्टनर हैं, आप अगर मेल पार्टनर हैं तो आप, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर डोमिनेटिंग होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स में पता लगता है कि डोमिनेटिंग पार्टनर हैं, ओके। एंड ये पर्सन ऐसे ने लीडरशिप पसंद है, इन्हें रूल करना पसंद है, मतलब इनके साथ जो भी बंदा होता है इन्हें लगता है कि वो इनकी बात माने या इनके अकॉर्डिंग काम करे। इनकी पर्सनल लाइफ में भी इन्हें ये पसंद होगा कि चीजें बिल्कुल ऐसे ही वर्क करें या इनके आसपास के लोग ऐसे वर्क करें जैसे ये चाहते हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आप ही डोमिनेटिंग है, मतलब कि सिंगल हैं तो ऑब्वियसली इस टाइम पे आप काफी टाइम से रिलेशनशिप में नहीं हैं और फिलहाल आप आना भी नहीं चाह रहे हैं, या क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी है, किंग भी है, तो आप अभी काफी टाइम सिंगल और आप आना नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपके अंदर अभी इतना ज्यादा विजडम है, आप अभी खुद में ही ग्रो करना चाहते हैं, चाहते हैं कि पहले आप ग्रो करें, देन बाद में इन सबको देखेंगे चीजों को। अभी आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं, ओके। लव लाइफ की तरफ अभी तक ध्यान नहीं है, बट अगर आप लव लाइफ भी चाहते हैं तो यही पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो इस रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग होंगे, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप खुद ही डोमिनेटिंग होंगे, राइट? और किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स सेम, ये भी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि आप बाहर की जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिन लोगों से आप जनरली मिलते रहते हैं टेम्परेरीली, उनके लिए बहुत ज्यादा टफ है, मतलब उनके सामने जो आपके साइड है वो काफी टफ है, पर जब आप अपने पार्टनर के साथ हैं आप तो काफी इमोशनल, काफी सेंसिटिव और सॉफ्ट साइड है आपकी, यस। तो अगर आप सिंगल है तो इट्स गुड के भी आप सिंगल ही रहें, क्योंकि द हायरोफेंट भी हमें ये बताता है एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी ये बताता है कि अभी
बहुत ज्यादा विजडम है आपके अंदर, बहुत ज्यादा आप खुद में ही बहुत ज्यादा ग्रो ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो 3 है वो होता है जुपिटर, एंड जुपिटर हमें बहुत विस्टम देता है, बहुत विस्टम देता है। और जो अभी आपके काम हैं, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके करियर में भी ना काम बिना ज्यादा प्रॉब्लम्स के हो रहे होंगे, बिना ज्यादा प्रॉब्लम्स के हो रहे होंगे। जबकि आपको लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में होते तो शायद से आप इतना इजीली काम नहीं कर पाते, शायद से आपको करियर भी मैनेज करना पड़ता और अपनी लव लाइफ भी मैनेज करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको ये लग रहा है कि काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, शायद इसलिए बेटर है कि मुझे भी सिंगल रहना चाहिए। तो या श्योर रहना चाहिए सिंगल, एंड अगर रिलेशनशिप में है तो जो एक वो स्पार्क मिसिंग है वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। बट अगर आप मेल हैं तो इट इज अ मैसेज फॉर यू, बी लेस डोमिनेटिंग। एंड अगर आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर आपको लगता है बहुत डोमिनेटिंग है, तो जस्ट मेक हिम वॉच दिस वीडियो, ओके, मेक हिम वॉच दिस वीडियो एंड लेट हिम नो दैट ही इज डोमिनेटिंग एंड यू डोंट लाइक दैट, ओके। नाउ वी हैव दिस मैसेज फ्रॉम एंजल एंड एंसेस्टर्स और एकल टेक स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, ओके। जो आपको इंटरनली लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है, देखिए क्योंकि सारे कार्ड है ना, अभी आप सिंगल हो तो हो सकता है कि ना आप बहुत टाइम सिंगल हो और अब आपको लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए जस्ट टू मूव ऑन फ्रॉम योर प्रीवियस रिलेशनशिप, ओके। बट ये चीज आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगी, बिकॉज यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि फ्लिंग्स में बिलीव करे, या मतलब आपको ना वन ट्रू लव मतलब चाहिए है, तो इसलिए आप फ्लिंग्स में बिलीव नहीं करते। बट आप स्टिल उनके बारे में फ्लिंग्स के लिए सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मैं ऐसे किसी रिलेशनशिप में आ जाऊं, चले नहीं चले, जस्ट टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप। तो उसमें आप खुद को ही हर्ट करेंगे लेटर ऑन, आप ऐसे पर्सन नहीं है कि आप थोड़ा टाइम के लिए रिलेशनशिप संभाल पाए। अगर आप अभी एक रिलेशन में आते हैं तो आपको वो फिर लॉन्ग टर्म चाहिए होगा, और हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए हो, तो फिर वहां पे दोबारा से हर्ट होने के चांसेस हैं। इसीलिए लिसन योर इनर वॉइस, जो आपको लगता है सोलफुली इंट्यूटिवली कि आपको करना चाहिए, आप बिल्कुल वही करिए, ओके। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल टू, थैंक यू पाइल टू। हेलो पाइल 3, तो देखते हैं हमारे पास पाइल 3 के लिए क्या कार्ड आए हैं। सबसे पहले हमारे पास राइडर वेट आरो डेक से है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, देन 2 है हमारे पास मेजर अर्कैना से, नंबर 2 द हाई प्रीस्टेस, देन मैसेज हम लास्ट में चेक करेंगे, देन हमारे पास द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से जस्टिस, ओके। सो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास मुझे 4 ऑफ कप्स भी दिख रहा है और टू ऑफ तो नहीं, मेजर अर्कैना, 2 ऑफ मेजर अर्कैना हाई प्रीस्टेस है, तो आई कैन श्योरली से कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, आप बहुत ज्यादा डिसीजंस जो है ना वो दिमाग से लेने की जगह दिल से लेते हैं। बट उसी टाइम पे ना आप बहुत ज्यादा लकी हैं, आपको ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के अपने रिजल्ट्स मिलते होंगे, मतलब आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड रखने वाले, बहुत ज्यादा इमोशनल डाउन टू अर्थ ग्रेटफुल पर्सन है, ठीक है। देन अगेन अगर मैं 4 ऑफ कप्स को देखूं एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को देखूं, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ पर्सन भी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही चीज हमें यहाँ पे भी दिख रही है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी दिख रही है। तो हमें दो तीन चीजें यहाँ पे दिखी, फर्स्ट इमोशन, काफी इमोशनल है आप, सेकेंड ग्रेटफुल है, बहुत ग्रैटिट्यूड है आप में, डाउन टू अर्थ है आप, देन आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत विजडम है आप में, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ओके। नाउ क्योंकि हमारे पास जस्टिस आ गया, तो जस्टिस आ गया
और यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, तो अभी तक जो आप अपने रिलेशन में एफर्ट्स डाल रहे थे, अब आपके साथ जस्टिस होगा एंड आपको उन एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आप इतने टाइम्स रिलेशन में, बहुत अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या अभी रिसेंटली भी है एंड आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो आपके पार्टनर की साइड से, या ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, एंगेजमेंट हो, मैरिज हो, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इस साल होगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप बहुत एफर्ट्स डालते हैं रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स डालते हैं और आपके पार्टनर भी बहुत एफर्ट्स डालते हैं, तो अब उनका फ्रूट, अब उनका रिजल्ट निकल के आएगा जितने आपने एफर्ट्स करे हैं। ओके, एंड इस रिलेशनशिप में आई कैन से कि जो फीमेल है, पिछली फाइल में मैस्कुलिन एनर्जी अच्छी थी, इसमें फेमिनिन एनर्जी अच्छी है। आप इमोशनल तो हैं बट आप थोड़े से डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से डोमिनेटिंग हैं इस रिलेशन में। मतलब आपको एक है ना कि आप बहुत बातों नहीं भी हो सकते हो इस रिलेशन में, मतलब आपको ना बातें बताना बहुत पसंद है, सामने वाले की सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, अपनी बात बताना बहुत पसंद है आपको, ऐसे है। ओके, सो या इस ईयर आप जो भी नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं रिलेशन में, आप ले सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं और आप किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, तो वो पर्सन भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। आपको बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं देख रही हूँ कि ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि इज ही द राइट वन और नॉट, इज शी द राइट वन और नॉट। सो द आंसर इज येस, ही इज द राइट वन, शी इज द राइट वन, गो फॉर इट। जो आप सोच रहे हो, टेक द नेक्स्ट स्टेप, इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर होल लाइफ, होल लाइफ। या द हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस सेज कि जस्टिस होगा, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं उनका रिजल्ट आपको मिलेगा, द यूनिवर्स इज विद यू। तो अगर आप न्यू रिलेशन में आना चाहते हैं तो 100% आइए, अगर आप इस रिलेशन में हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पक्का पक्का बढ़िए, बहुत अच्छा है आपके लिए और आपके पार्टनर आपके लिए काफी लकी हैं। अगर आप मैन हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत लकी हैं, बहुत लकी। सो आप उन्हें जितना ज्यादा खुश रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत लकी हैं आपकी पार्टनर आपके लिए। एंड अगर आप खुद ही फीमेल हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी हैं, आप अपने मेल पार्टनर के लिए बहुत लकी हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफी लकी हैं। और आप काफी पीसफुल भी हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं, बहुत इमेजिनेटिव भी हैं। मतलब जो ये फीमेल है इस रिलेशन में, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है, वो अभी बैठे बैठे बहुत टाइम बाद का भी सोच लेंगे आपके रिलेशन में, आपके मैरिज का सोच लेंगे, आपके एंगेजमेंट का सोच लेंगे, बीइंग इन रिलेशनशिप, तो काफी दूर का वो सोच भी लेते हैं। ओके, देन एंजल्स एंड एंजेस्टर्स ओरेकल डेक से हमारे पास सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। देखो क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स में आ गए कि आप कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको आगे कमिटमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब अगर आप रिलेशन में हैं ऑलरेडी तो कि आगे आपको रिलेशन में मतलब नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आप सोच रहे हैं कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशन में आना चाहिए कि नहीं, तो यस बिल्कुल आना चाहिए, बी कमिटेड, कमिटेड हुई है बिल्कुल, और ये रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगा, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगा। सो या बहुत अच्छा रहेगा इस रिलेशन में आना आपके लिए, या इस रिलेशन में नेक्स्ट स्टेप लेना आपके लिए। तो दिस वाज इट फॉर पाइल 3, थैंक यू पाइल 3।